धरना प्रदर्शन किया और कटोरी थाली चम्मच बजा करके सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। रिपोर्ट देखिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का प्रदर्शन, कटोरी थाली चम्मच बजाकर प्रदर्शन, सुविधाओं और मानदेय को लेकर हंगामा। जिन्होंने कोरोना काल में घर घर जाकर मदद पहुंचाई थी, जिन्होंने लोगों की मदद के लिए खुद के घर को छोड़ दिया था, आज वही सरकार से अपनी मांगों के लिए सड़कों पर बैठी हैं, थाली कटोरी चम्मच बजा रही हैं और सरकार तक अपनी मांग पहुंचा रही हैं। ये हल्ला, ये हंगामा, ये शोर और प्रदर्शन आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का है। हाथों में थाली कटोरी चम्मच लेकर ये बीच सड़क पर बैठी हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। सैकड़ों महिलाएं सरकार पर सुविधाओं और मानदेय को लेकर झूठे वादे करने का आरोप लगा रही हैं। योगी सरकार ने आपके जब पीछे 2016 में हम लोगों ने यहाँ प्रोग्राम किया था, उनमें वादा किया था कि आपके 120 दिन में कमेटी गठित करके आपका मानदेय जो है 1500 रुपया बढ़ोतरी कर रहा हूँ और आप लोग के खातों तक पहुँच जाएगा। सब इनके वादे झूठे, खोखले, झूठी सरकार, बिल्कुल थर्ड क्लास निकम्मी सरकार, ऐसी सरकार को हम लोग नहीं चाहते। हमसे बहुत अनेकों तरह के काम लिए जाते हैं, जैसे कि राशन कार्ड में ड्यूटी लगा दी जाती है हमारी, कोई हमें लिखित आदेश नहीं दिया जाता, हमसे मौखिक काम कराया जाता है। सरकार जी अपने झूठे वादे करके और फिर कुछ नहीं देती हमें, काम इतना दे रहे हैं, कभी कहीं में ड्यूटी, BLO में, टीकाकरण में, कर्मी दिवस में, हर उसमें हमारी ड्यूटी लगा दी। कोरोना में भी आपकी ड्यूटी लगी? कोरोना में भी है, 2 साल से कोरोना में ड्यूटी है, हमें कोई भी पैसा नहीं मिला है आज तक। आपको कोरोना योद्धा का सम्मान मिला है कि नहीं? सर नहीं सम्मान दिया है, नहीं हमारा पैसा बढ़ाया है। सरकार को सोचना चाहिए, ये गरीब लड़कियां हैं हम सब, किसी के घर पे तो खाना इसी से ही पकता है और बहुत ही ज्यादा परेशान। कितना पैसा मिल रहा है आजकल? 5500 रुपए कुल मंथली हो रहा है। 5500 रुपए जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मिल रहे हैं, वो पिछले 2 महीनों से इनका वो मानदेय भी नहीं आ रहा है। सरकार ये कहती है कि वो बहुत कल्याण के लिए काम कर रही है, लेकिन असल में जो लोग सरकार की सारी योजनाओं को गांव देहात में, शहरों में, ज़मीन पर ले जा रहे हैं, उनके कार्यक्रमों में भागीदार बन रहे हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर, उनके लिए भी सरकार के पास अब पैसा नहीं है और इसीलिए ये लोग आज यहाँ पर अपना आंदोलन शुरू कर दिए हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। और भाई बाराबंकी।